नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। गिरते हैं सरसवार ही मैदान जंग में, उनका क्या करें जो घुटनों के बल चले। मानो इंग्लैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम घुटनों के बल चल रही थी। पहले टेस्ट मैच में नजदीकी हार के बाद लग रहा था शायद टीम इंडिया इस हार से कुछ सबक लेगी और सीरीज में कुछ करिश्मा करेगी। उम्मीद भी जायज थी क्योंकि कागजों पर टीम इंडिया नंबर वन की कुर्सी पर जो बैठी है। लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई टीम मैदान पर उतरती है तो उस टीम के आंकड़े किसी नए इतिहास के गवाह बन जाते हैं। बस ऐसा ही भारतीय टीम के साथ हुआ। उम्मीद के मुताबिक कोहली ने जरूर जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की, लेकिन कुछ पारियों के अलावा कोई बल्लेबाज क्रीज पर रुकने की जहमत तक नहीं उठा पाया। इंग्लैंड से मिले 245 रनों के लक्ष्य को देखकर लग रहा था कि शायद टीम इंडिया कोई करिश्मा कर देगी, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। कप्तान विराट कोहली ने 58 रन और अजिंक्य रहाणे ने 51 रन बनाते हुए जरूर इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने संघर्ष किया, लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम एक समय पर 3 विकेट पर 123 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी, लेकिन कोहली के आउट होने के बाद मानो पतझड़ लग गया था। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। हार्दिक पांड्या 0, ऋषभ पंत 18, ईशांत शर्मा 0, मोहम्मद शमी 8 और आर अश्विन 25 रन। ऐसे जब बल्लेबाज नहीं टिक सके तो पुछल्ले बल्लेबाजों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन इस मैच में युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी। लेकिन अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे पंत के बेहद गैर जिम्मेदाराना शॉट ने उन्हें आउट करा दिया, मानो कि उन्होंने अपना विकेट इंग्लैंड को गिफ्ट के रूप में परोस दिया। इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में 5 विकेट चटकाने वाले ऑफ स्पिनर मोइन अली की घातक बॉलिंग दूसरी पारी में भी जारी रही। दूसरी पारी में 71 रन देकर 4 विकेट चटकाए। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वैसे आपको बता दें कि कोहली इस मौजूदा सीरीज में 500 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।